बस यीशु को आकर मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हुए। बैतनिया यरूशलेम से करीबन 2 मील के फासले पर था और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम को उनके भाई के बारे में तसल्ली देने आए थे। जब मार्था ने यीशु के आने की खबर सुनी तो वो उससे मिलने को गई, लेकिन मरियम घर में बैठी रही। ऐ खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तो खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। तेरा भाई जी उठेगा। मैं जानती हूँ कि कयामत के आखिरी दिन वो जी उठेगा। कयामत और जिंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है गो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? ऐ खुदावंद, मैं ईमान ला चुकी हूं कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। ये कहकर वो चली गई और चुपके से अपनी बहन मरियम को बुलाकर कहा, उस्ताद यही है और तुझे बुलाते हैं। जब मरियम ने यह सुना तो जल्द उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, बल्कि उसी जगह था जहां मार्था उससे मिली थी। बस वो यहूदी जो मरियम के साथ घर में उसके पास थे और उसे तसल्ली दे रहे थे, ये देखकर कि मरियम जल्द उठकर बाहर गई, इस ख्याल से उठकर उसके पीछे हो लिए कि वो कब्र पर रोने जाती है। मरियम उस जगह पहुंची जहां यीशु था और उसे देखा तो उसके कदमों पर गिर पड़ी। जब यीशु ने मरियम और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते देखा, तो दिल में निहायत रंजिदा हुआ और कहा, तुमने उसे कहां दफन किया? ऐ खुदावंद, चलकर देख ले। यीशु के आंसू बहने लगे। लोगों ने कहा, देखो वो उसको कैसा अजीज था। लेकिन उनमें से बाज ने कहा, ये शख्स जिसने अंधे की आंखें खोली इतना न कर सका कि लाजर ना मरता। यीशु